हाय व्यूअर्स, हैप्पी ओनम का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम हैप्पी ओनम के ऊपर एक सुंदर सा सीनरी ड्राइंग करेंगे। तो चलो ओनम वर्ड को कैसे लिखना है वो देखते हैं। ओ कुछ झुका हुआ लिखना है, एन एन भी थोड़ा झुका हुआ, और ए और एम सभी को कुछ झुका हुआ यानी स्लैंटिंग करके लिखना है। इसी ओनम वर्ड से अब ओनम का जो ड्राइंग है उसको करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखो, स्किप मत करके पूरा अंत तक देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं कैसे ओनम वर्ड से ओनम के ऊपर ड्राइंग को बनाया। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो मैंने कैसे ओनम वर्ड के नीचे एक नाव बना दिया। तो अच्छे से देखो, अब ओनम वर्ड को मैं यहाँ पे जो बोट चला रहा है कुछ ऐसे लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो ओनम को कैसे लोगों में ट्रांसफर कर रहा हो। तो ठीक, अब ऐसे ही घर पे बैठे आप इस ड्राइंग को देख के कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे रिबन आर्ट्स लाइफ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर देना, नहीं तो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँगा तब तब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन करना पड़ेगा। अब थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखो मैं कैसे ओनम के ऊपर सुंदर सा ड्राइंग बना रहा हूँ, ताकि ऐसा लगे ये जो फेस्टिवल है वो केरला स्टेट का है। तो इन्हीं जो केरला स्टेट का जो व्यू है उसी व्यू को हम इस ड्राइंग में करेंगे। तो देखो कैसे और भी सारे जो ऑब्जेक्ट करके मैं ऐसा एक फील दूंगा कि ये जो फेस्टिवल का जो ड्राइंग है वो केरला में सेलिब्रेट हो रहा है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो।
तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। मैंने देखो यहाँ पे बहुत ही सुंदर से जो केरला का एक व्यू है उसको मैंने किया। अब इस ड्राइंग को थोड़ा ध्यान से देख के आप कलर भी कर लेना। तो चलो, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।